वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 3 पेनिसिल रिवर्ट। इससे पहले हमने हिमालय रिवर्स किए बेटा, ड्रेनेज चैप्टर 9 क्लास 3rd चैप्टर ज्योग्राफी। ओके चलिए बेटा, आज इसका थर्ड पार्ट करते हैं पेनिसिल रिवर्स। सो सबसे पहले एक फीचर्स का लेना पेनिसिल रिवर की, पैरा दिया है, उसके बाद मेन रिवर्स की डिस्क्रिप्शन दिए बेटा। द मेन वाटर डिवाइडिंग पेनिसिल इंडिया वॉर फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट। अगर हम बात करें वाटर डिवाइड की, तो आपको एक असाइनमेंट मैप भी मिलेगा। यहां भी बता रहा हूं बेटा, जो साउथर्न इंडिया का वाटर डिवाइड है वो वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अधिकतर रिवर्स इसके ईस्ट में फ्लो होती है, कुछ छोटी रिवर्स वेस्ट में फ्लो होती है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बताया था बेटा पानीपत हाइट्स है, वो हमारा एक है जिससे इंडस और गंगा रिवर सिस्टम सेपरेट होता है। फिर अरावली रेंज इसको फॉलो करती है, अरावली, जिससे चंबल रिवर इधर फ्लो होती है, लूनी इधर जाती है। इसके बाद कहते हैं विंध्याचल श्रेणी है बेटा, बीच में आ जाती है, वो वाटर डिवाइड का काम करती है, ऊपर और नीचे रिवर डिवाइड होती है। और फिर इसके बाद दो रिवर्स इधर फ्लो होती हैं, उसके बाद ये वाटर डिवाइड इधर आ जाता है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट को फॉलो करता है। चलो सो हम बात करते हैं, विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज द वेस्टर्न कोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेंसिल सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड। तो बड़ी रिवर सारी इधर फ्लो करती है, दो एक्सेप्शन है, रिफ्ट वैली जो हमने कल भी बताया था, रिफ्ट की वजह से वो तो उल्टा फ्लो करती है, नर्मदा एंड तापी। चलिए, दिस रिवर मेक डेल्टा देर माउथ, और जो इधर रिवर है ईस्टवर्ड जाती है, सारी डेल्टा बनाती है बेटा। डेल्टा फिगर पता होगा, जो डिपोजिशन है ट्राइंगल शेप में डिपोजिशन होता है सी में, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। देर आर नंबरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। इस तरह छोटी रिवर से बिल्कुल, जो बहुत स्पीडली, क्योंकि स्लोप अच्छा है बेटा यहाँ। सो द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर, दो बड़ी रिवर है, बाकी छोटी रिवर्स है, माई है, साबरमती है, काफी है बेटा। विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्टुरीज, और ये क्या बनाती है, एस्टुरीज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है बेटा लिटररी। अगर हम डेल्टा की बात करें तो उसमें रिवर में स्लोप कम है, ठीक है, और ओशन कोस्ट पे जाके क्या करती है, वो छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड हो जाती है और डिपोजिशन कर देती है कोस्ट पे। और एस्टुरीज की बात करें तो उसमें स्लोप कम नहीं होता बेटा, स्लोप स्टीप स्लोप है, बहुत तेजी से आती है, और ओशन कोस्ट पे आके बेटा वो डिपोजिशन नहीं करती, बढ़ती नहीं है, वो ओशन के अंदर, यानी कि ओशन का लेवल है, इसके अंदर जाके नीचे अपनी वैली फॉर्म करती है, नीचे जाके डिपॉजिट करती है। तो ओशन के अंदर नीचे जो डिपॉजिशन होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वैली टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं एस्टुरीज। क्या बोलते हैं उसे, एस्टुरीज। और जो डिपॉजिशन जिस कोस्ट के पास ही, रिवर कई पार्ट में डिवाइड होती है, ट्राइंगल शेप में डेल्टा फॉर्म में बनाती है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, सो द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेंसिल रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। अधिकतर इनका अगर टोटल बात करें पेंसिल रिवर की, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम काफी छोटा होता है। आते हैं फर्स्ट नर्मदा बेटा, इसकी लेंथ पहले लिखी है 13-12, राउंड ऑफ में 13 मिलेगी की जगह। अमरकटक से ओरिजिन होती है बेटा, मध्य प्रदेश। ओके, द नर्मदा राइज फॉर अमरकटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, इट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट में फ्लो होती है, रिफ्ट वैली में बहती है, अगेंस्ट द स्लोप, फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग, फॉल्ट की वजह से हुआ बेटा, ये फॉल्ट क्रैक पड़े हुए हैं। ऑन इट्स वे टू द सी एंड नर्मदा क्रिएट मेनी पिक्चर्स लोकेशन, काफी अच्छे सीनरी बनाती है बेटा, ये लोकेशन बनाती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेर द नर्मदा फ्लो थ्रू ए डीप गॉर्ज, एक बड़े गॉर्ज से क्रॉस करती है बेटा नर्मदा फ्लो में, और वहां पर ये मार्बल रॉक्स की चट्टान निकली, जो बहुत देखने लोगों के दृश्य है, वह बहुत लोग यहाँ जबलपुर में इनको देखने आते हैं। द नर्मदा फ्लो द डीप गॉर्ज एंड द दुहाधार फॉल्स, यहाँ पे एक दुहाधार फॉल वाटरफॉल भी बनाती है, वेर द रिवर प्लंज ओवर स्टीप रॉक्स एंड सम आर सम नोटेबल वर्स, तो ये कुछ अच्छे सीन वगैरह बनाती है, इसलिए जानी जाती है बेटा, ठीक है। चलिए कंप्लीट नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। बेटा इसका जो क्वेश्चन था कि पेंसिल रिवर का, रिपीट कर रहा हूं, और नॉर्थ रिवर का, एक इनकी ट्रिब्यूटरी का क्वेश्चन आपको हमेशा एनटीएससी सीरीज में मिलेगा, ठीक है। हर रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज है, मेन ट्रिब्यूटरीज आपको टेस्ट में होनी चाहिए, जो आपको मैप एक बार मैं कराऊंगा अभी। देखिए, तो मोस्ट ऑफ द स्वाट एंड द ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल, राइट एंगल में मिलती है, क्योंकि राइट एंगल का बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ये इस तरह की एक बड़ी फॉल्ट में बहती है, बीच में रिवर बह रही है, तो ऊपर से तुरंत छोटी छोटी रिवर्स में वाटर एड करती है 90 डिग्री खड़े। ओके, द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश गुजरात, दो बड़े स्टेट है मध्य प्रदेश गुजरात को ये कवर करती है। आते नेक्स्ट, जो इसी के साथ बेटा तापी रिवर है, ये भी वेस्ट में फ्लो करती है, इसकी लेंथ है 724 और मुलताई के पास से निकलती है, बेतुल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। द तापी राइज इन सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज से निकलती है, इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ वैली, ये भी रिफ वैली में फ्लो करती है, तो नर्मदा बट इट्स मच शॉर्टर इन लेंथ, काफी उससे थोड़ी छोटी, लगभग आधी की हम कह सकते हैं। इट बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र, थोड़ा महाराष्ट्र का भी बेसिन इसका। द कोस्टल प्लेन, बेसिन याद होगा जिस एरिया से वाटर कलेक्ट करती है बेटा। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट एंड द मेन वेस्टर्न फ्लो। अब देखिए, इनका बेटा कोस्टल प्लेन काफी कम है, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था याद होगा, कोस्टल प्लेन्स पढ़े थे याद होगा, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफी वाइड है, चौड़ा है और स्लोप कम है,
और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत पतला है और स्टीप स्लोप है, खड़ा ढाल है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो पतला एरिया में तो ढाल ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम दिए, साबरमती गुजरात में है बेटा, उदयपुर के पास से निकलती है, माही है ये आपकी गुजरात राजस्थान मध्य तीन स्टेट्स को कवर करती है, और ये एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, एक बार ऊपर जाती राजस्थान फिर नीचे आती है, एमपी में इसका ओरिजिन है। फिर भारत पूजा है बेटा, ठीक है, ये नॉर्थन केरला के नॉर्थन पार्ट में है। फिर पेरियार है केरल में, फाइंड आउट द स्टेट, इसके अलावा इनके स्टेट हम फाइंड आउट कर जो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब आते हैं गोदावरी बेसिन 1465, काफी बड़ी रिवर है, साउथर्न पेनिनसुला की जो ईस्टर्न फ्लो करती है सबसे बड़ी है, तो गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, नोट करना ये नासिक से निकलती है बेटा महाराष्ट्र, इट लेंथ इज अबाउट 1500 के आसपास है राउंड ऑफ में, वैसे 1465 है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, इट ड्रेन्स बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन भी है, सबसे ज्यादा इसकी लेंथ भी, दोनों में इंपॉर्टेंट है बेटा ये। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र अबाउट 50%, आधा महाराष्ट्र में इसका बेसिन, एंड महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश और ये इसके अदर स्टेट है। द गोदावरी ज्वाइन विद नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर रहा हूं बेटा प्लीज टिक कर लेना, फर्स्ट पूर्णा वारधा प्राणहिता मझरा वेणगंगा पेणगंगा, दो तो गंगा के नाम से है क्योंकि इसको साउथ की गंगा भी बोलते लोग, और इसके अलावा पूर्णा वारधा प्राणहिता, तो चार पांच फीमेल नेम है, इसको प्लीज थोड़ा अच्छे से कर लेना। बाकी गोदावरी महानदी दो रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, देखिए द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, तीन ट्रिब्यूटरी जो है वेणगंगा पेणगंगा और मझरा काफी बड़ी है, बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड द एरिया इज कवर, लेंथ और एरिया कवर है इसलिए बिना इसको हम क्या बोलते हैं दक्षिण गंगा, नोट करना ये दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका, इसकी लेंथ इसका ओरिजिन प्लेस इसकी ट्रिब्यूटरीज और इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ लार्ज बेसिन। नेक्स्ट चलते महानदी, इसके साथ सेकंड नंबर पे बेटा ये द महानदी राइज फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से निकलती है सिहवा से बेटा। ठीक है, इट फ्लोस थ्रू द उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, द लेंथ ऑफ द रिवर इज 860, यहाँ पूरी दी 860 किलोमीटर, ए ड्रेन बेसिन शेयर बाय महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा, इन स्टेट से ये कहीं ना कहीं कवर करती है। अब आते कृष्णा जो साउथ की रिवर है बेटा गोदावरी के नीचे, काफी इंपोर्टेंट है ये भी, राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है द कृष्णा फ्लोज, महाबलेश्वर पता होगा बेटा आपको ये भी कर्नाटक में ही है, 1400 किलोमीटर की लेंथ है, थोड़ी सी कम है उससे गोदावरी से, रीच द बे ऑफ बंगाल द तुंग भद्रा एंड कोयना एंड घाट प्रभादा मूसी एंड द भीमा आर द सम ट्रिब्यूटरीज, इसके ट्रिब्यूटरीज नोट करना, कावेरी की अलग मिलेगी देवी देवताओं जैसे नाम, इसकी अलग है बेटा, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको नोट करनी होगी। ठीक है, तुंगा भद्रा ये दो छोटी रिवर्स मिलकर एक बड़ी रिवर तुंग भद्रा बनाती है, बाद में ये ट्रिब्यूटरी एड करती है वाटर किसमें कृष्णा में, फिर है कोयना, कोयना डैम इस पे महाराष्ट्र में, घाट प्रभा एक और रिवर है और मूसी एंड द भीमा, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी से नोट करना। इस ड्रेनेज बेसिन इज, इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अब आते कावेरी, और बेटा इसकी भी देखिए ट्रिब्यूटरी मैं कह रहा हूं एक अलग टाइप के नाम है, उसको नोट कर सकते हैं। द कावेरी राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज, ये बेटा वेस्टर्न घाट की कुछ रेंज है, ब्रह्मगिरी वहां से ओरिजिन होती है कावेरी कर्नाटक से, कावेरी कर्नाटक ओके, वेस्टर्न घाट रीच द बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु, कडलोर के पास ये सिटी है बेटा कोस्टल तमिलनाडु, वहां पे जाके अपना पानी ओशन में डालती है या माउथ कह सकते हैं। टुडे लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 और टोटल लेंथ इसकी 760 किलोमीटर है, इट्स मेन ट्रिब्यूटरी अमरावती भवानी हिमावती और काबिनी देवी जैसे नाम है, देख लेना प्लीज ये इसके ट्रिब्यूटरीज है, ये ज्यादातर पूछी गई है या फिर हम कहते हैं वो जो आपने फर्स्ट गोदावरी पढ़ी इनकी दो ट्रिब्यूटरीज बहुत पूछी जाती है बेटा। फिर कृष्णा तीन रिवर है मेनली ट्रिब्यूटरी इन्हीं की दी है, इनको अच्छे से करना, इसका बेसिन है कर्नाटक केरला तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ एक कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन है कुछ बुक्स में बेटा मिस्टेकन है, देखिए द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नॉन एज शिव समुद्रम, कावेरी पे नंबर टू सेकंड, रीड कर रहा हूं कुछ बुक्स में बेटा करेक्शन है, करेक्शन कर लेना या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, द रिवर कावेरी मेक द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल नॉन एज शिव समुद्रम, द हाइड्रोसिटी पावर जनरेट फ्रॉम द फॉल सप्लाई टू मैसूर बैंगलोर एंड कोलार माइन, तो मैसूर में बैंगलोर दो बड़ी सिटीज और कोलार गोल्ड फील्ड जो कर्नाटक में वहां पे बेटा यहां से चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा है डिफाइंड आउट में द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, तो बेटा अगर हम बात करें सिंगल यानी इस पे देखिए कई क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सिंगल होता है सीधा पानी गिरता है, एक स्प्लंज होता है गिर गिर के ऐसे नीचे आता है वाटरफॉल, तो इसकी कई कैटेगरी आपको मिलेगी, तो अगर इसमें बिगेस्ट हम बात करें तो दैट इज जोग फॉल JOG, इसका दूसरा नाम है गरसोपा JERO SOPPA, और ये शरावती रिवर है बेटा वेस्टर्न घाट पे कर्नाटक में है। ठीक है,
कर्नाटक के वेस्टर्न घाट यानी अरेबियन सी में जाके गिरती, छोटी सी रिवर है, 829 मीटर इसकी मीटर नहीं फिट इसकी हाइट है बेटा, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है बिगेस्ट, इससे बड़े को है यानी स्पलंज की बात करें तो उसमें कंचिकन फॉल है 1493 फीट बेटा, 455 मीटर, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। ओके, इसको भी नोट कर लेना, ये आपको मिल जाएगा बेटा मेघालय में है। तो ये दो अलग अलग है बट आपकी बुक में जो है रिगार्डिंग इन दो का बेस क्वेश्चन आएगा, नंबर वन जो जिसका दूसरा नाम गौरसोपा है, रिवर सरावती कर्नाटक में है, ठीक है, और ये वेस्ट फ्लो रिवर है छोटी सी। सेकंड नंबर पे जो वाटरफॉल है वो शिव समुद्र में है, कावेरी रिवर पे है, हो जाएगा। इन दोनों की लोकेशन अच्छे चेक करना बेटा। आते हैं, बिसाइड दिस मेजर रिवर देर आर सम, अब जैसे हमने छोटी रिवर वहां वेस्ट फ्लो की पढ़ी थी, अब ये इस फ्लो की और रिवर्स भी है। द दामोदर ये झारखंड वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, ये झारखंड वेस्ट बंगाल में सोक कहलाती है, सोर ऑफ वेस्ट बंगाल याद रखना, जैसे सोर ऑफ बिहार पड़ी थी हमने कोसी बेटा। इसके बाद ब्राह्मणी है झारखंड उड़ीसा में है, फिर बैतरणी है ये भी उड़ीसा में है, एंड द स्वर्ण रेखा झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा तीनों में है बेटा, ये इसमें गोल्ड के लिए जानी जाती है, इसे इसका नाम स्वर्ण रेखा है। एंड ऑल्सो सम नोटेबल एग्जाम्पल लोकेट द मीन योर एटलस, एटलस में जो लोकेट कर सकते हो तो ये कलकत्ता से लेके बेटा आपकी चिल्का लेक के बीच में सीक्वेंस में सारी रिवर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर डू यू नो दिया 71% ऑफ द वर्ल्ड सर्फेस कवर्ड विद वाटर, ये आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑफ द 3% ऑफ द अवेलेबल फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ द टैपेड आइस, 3% आइस के रूप में क्वार्टर है।